हेलो एंड वेलकम स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और हर दिन की तरह आज भी मैं लेके आई हूँ आपके लिए लॉर्ड्स ऑफ करंट अफेयर्स एंड एमसीक्यूज बात कर लेते हैं हमारी अपकमिंग बैचेस की जो कि अगस्त के महीने में आने वाली बैचेस हैं वो है स्टार्ट हो रही हैं चार अगस्त से टिल ट्वेंटी ऑफ अगस्त तक जो है ये बैचेज आएँगी और अगर हम बात करें तो ये बैचेज बाय होती हैं दोनों भाषाओं में होती हैं आप घर में बैठ के अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हो अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो वॉट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट महेंद्राज डॉट ऑर्ग राइट चलिए आगे मूव करते हैं आ, आज के डेट की थॉट्स की तो की हम बात करें तो मेक योर सेल्फ योर ओन कॉम्पिटिशन स्ट्राइव टू बी बेटर देन यस्टरडे एंड यू विल फाइंड दी ट्रू एसेंस ऑफ लाइफ देखिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बहुत मार्केट से कंपटीशन मोल लेने की ज़रूरत नहीं है कंपटीशन करना है अपने से करना है फाइटिंग करना है खुद से करना है कैसे खुद से करना है अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना है जो अपने आप को नट सेल में हम रखे हुए हैं वो नट सेल क्या है कम्फर्टेबलनेस का है हम कितने कम्फर्टेबल हैं हम पर रहना चाहते हैं बस इसी बैरिकेड को तोड़ना है जैसे मान लीजिए मुझे आदत है कि मैं रात में पढ़ सकती हूँ दिन में पढ़ नहीं सकती अब ऐसा करना मेरे लिए हानिकारक है मेरा इससे लॉस हो रहा है लेकिन मैं अपने इस बंधन में बंधी हुई हूँ कोई कहता है कि मेरे पास जो है टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए जॉब है मेरे पास तो हमें यहाँ भी फाइटिंग करनी पड़ेगी कोई कहता है यार मुझे मैथ्स नहीं अच्छी लगती है कोई कहता है जी याद नहीं होता है बैरिकेटिंग है हमारे कंफर्टेबल जोन है जम रहना चाहते हैं बस इसको तोड़ने की ज़रूरत है और ये तोड़ना आप ही को पड़ेगा और कोई नहीं आने वाला है इसको तोड़ने के लिए दैट इज़ वाई आपको खुद से कॉम्पटिशन करना है समझ गए चलिए और अगर हम ऐसा करते हैं है ना तो क्या होगा हमारा जीवन अच्छा होगा बेहतर ही होगा इसमें तो कोई कमी होनी नहीं है और ये हम सभी को पता है तो एज अ स्टूडेंट्स ये हमारे अंदर होना चाहिए कि अगर हम दो घंटा पढ़ते हैं आज तो कल हम दो घंटा पाँच मिनट पढ़े तीसरे दिन दो घंटा दस मिनट पढ़े ऐसे ऐसे हमको भी पता नहीं चलना चलेगा कि हम एक दिन के चार से पाँच घंटे जो पढ़ना चाहिए व्यक्ति को वो हम कब निकाल लिए और कब हमारा जो सिलेक्शन हम एक साल में लेने की सोच के रखे थे वो कब हमारा तीन महीने छः महीने या जब वैकेंसी फर्स्ट वैकेंसी आई हमने इतनी तैयारी करके रखी एक सीट है वो एक सीट ही हमारा अगर तैयारी है तो और ये दावेदारी वही कर सकता है जिसकी तैयारी है चलिए बहुत ज़्यादा हो गया हमारे थाट्स पे और अब हम बात कर रहे हैं देखो कल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था एक गड़बड़ हो गई थी गड़बड़ ये हुई थी कि क्वेश्चंस चेंज हो गए थे बट ऑप्शन्स में वही पुराने वाले क्वेश्चन के थे तो ये मेरी मिस्टेक थी और इस वजह से जो हमारे स्टूडेंट थे जिन्होंने सही आंसर दिया था मैं उनका नाम नहीं मेंशन कर पाई थी और आज भी इस मिस्टेक के परिणाम कुछ अलग ही निकल के आ गए फिलहाल हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा वैसे ये जो क्वेश्चन हैं ये मैं अपने रेगुलर क्लास में इसी वीक में मुझे लगता है कि कराई हुई हूँ तो उसका आंसर सभी को सही देना चाहिए था लेकिन चिंताजनक बात यह है कि सिर्फ दो ही स्टूडेंट ने हमारे सही आंसर किया है एक है प्रतीक मिश्रा जी और दूसरे हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है सौरजीत घोष जी बस सिर्फ ओनली टू बाद का आंसर सी था और यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन में सी आ गया था जबकि सी जो है ध्रुपद वाले क्वेश्चन का आंसर था बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट में लिखा बट ये मुझे खुद भी समझ में आया बहुत बड़ा ब्लेंडर मिस्टेक हो गया मैं भी समझ नहीं पाई बाद में समझ में आया कि अच्छा कारण क्या क्या रीजन्स हैं वो निकल के सामने आए बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स की इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स क्या है हमारा डिजिटल पेमेंट के बारे में अब डिजिटल पेमेंट जो है ये हमारा थर्टी पॉइंट वन नाइन परसेंट जो है ड्यूरिंग इस फाइनेंशियल ईयर यानी मार्च के कमिंग मार्च के एंड एंड तक जो है 2021 तक रहने वाला है बढ़ गया है बढ़ गया है याद रखना है एक्चुअली क्या है आर की ना एक इंडेक्स होती है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स अब ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है ये आर की ये डेटा देती है कि कितना ज़्यादा पेमेंट जो है किस ईयर फाइनेंशियल में बढ़ा है घटा है ये डेटा पब्लिश किया जाता है और अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो कि ट्वेंटी सेवेंटी टू हंड्रेड सेवेंटी पॉइंट फाइव नाइन है ना यहाँ पे आप देख सकते हो ये बताया जा रहा है कि ये रिपोर्ट जो है वो दो सौ सत्तर पॉइंट फाइव नाइन बढ़ सकती है दो सौ सात पॉइंट एट फोर पास्ट ईयर में थी ये बताया जा रहा है पास्ट ईयर का ये है और कमिंग ईयर में इतनी वैल्यू होगी परसेंटेज में ये बताया गया है वैल्यू में ये होगी होगी क्या होगा ये देखने वाली बात होगी और अगर हम बात करें तो ये जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है ये कैसे वर्क करता है और क्या है इनके फीचर्स तो देखो 2018 में हमारी जो आर है 2018 में हमारी आर ने इस पेमेंट इंडेक्स को लॉन्च किया था ताकि अच्छे तरीके से एग्जामिन हो सके कि डिजिटल पेमेंट कितना होता है अपने इंडिया में क्या पैरामीटर्स होते हैं तो मेनली जो है पांच पैरामीटर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे नंबर वन क्या है पेमेंट जो है इनेबलर्स ये परसेंटेज ट्वेंटी फाइव परसेंट है हालांकि परसेंटेज अगर आपको याद ना हो तो कोई इश्यूज नहीं है बट आपको ये पॉइंट्स दिमाग में रखने चाहिए उसके बाद है पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर दस पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर पंद्रह पेमेंट परफॉर्मेंस 55% 45% परसेंट फोर्टी एंड कंज्यूमर जो है सेंट्रिसिटी 5% परसेंट तो ये पाँच पैरामीटर्स हैं ये तो हमारी हो गई डी पी आई के बारे में इसके अलावा आर बी आई क्या पब्लिश करती है थोड़ा सा देख लेते हैं इसके अलावा आर बी आई पब्लिश करती है सी सी एस सी सी एस का मतलब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जो कि क्या होता है क्वार्टरली होता है उसके बाद आर क्या करती है पब्लिस इसके बाद आर करती है आई ई एस एच यानी इन्फ्लेशन एक्सेप्शन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड जो कि क्या होता है क्वार्टरली होता है इसके अलावा आर क्या करती है इसके अलावा आर करती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी जो कि खुद हाफ ईयरली होता है राइट ये हाफ ईयर वाला होता है है ना उसके बाद हम देखेंगे यहाँ नेक्स्ट आरबीआई और क्या जारी करती है एक्सक्यूज मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट ठीक है देखो वैसे तो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू जो होता है वो अपने यहाँ हर दो महीने पे होता है 2018 के बाद से ठीक है लेकिन जो रिपोर्ट होता है रिपोर्ट मॉनिटरी पॉलिसी की जो रिपोर्ट होती है वो हाफ ईयरली होती है राइट इसके बाद और क्या जारी करती है आरबीआई इसके बाद आरबीआई जो है वो और जारी करती है हम देखेंगे यहाँ पे रिपोर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिपोर्ट ऑन जो है फॉरेन एक्सचेंज मैं शॉर्टली लिख रही हूँ क्या उसके बाद जो है यहाँ पे रिपोर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ठीक है तो ये जो है रिपोर्ट आर के द्वारा जारी किया जाता है जो कि अगेन हाफ ईयरली होता है बहुत सारे फैक्ट्स हैं याद कर लीजिएगा इम्पोर्टेंट है हिंदी में लिखी गई है सारी बातें नेक्स्ट देख लेते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्रीज इनिशिएटिव इंट्रीज फॉर न्यू एफ डी आईज नेम एंड लोगो फाइनेंस मिनिस्ट्री की इनिशिएटिव है क्या कि नए लोगो देखिए लोगो आप क्या होता है समझ रहे हो किसी भी कंपनी ब्रांड का अपना एक लोगो होता है तो यहाँ पे नए लोगों की बात नए नाम की बात कर रही है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री डी एफ आईज के बारे में डी एफ आईज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि इस बार के बजट में यानी 2021 22 के बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया था कि ये इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया जाएगा क्या वर्क फंक्शंस होगा सारी चीज़ें बताई गई थी यहाँ हम देखेंगे अगर ये बॉडी बनेगी तो नाम तो ठीक है नेम तो ये बताया गया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये तो पर्पस को भी दिखा रहा है ना एक्चुअली में नाम क्या होगा ये देखना पड़ेगा तो नाम और इसकी लोगों क्या होगी यही मांगा गया है हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री से मिनिस्ट्री ने जनता से मांगा है क्या ये प्रोसेस पहली बार स्टार्ट हुआ है नहीं इससे पहले भी हमारे प्रधानमंत्री ने तो 2014 में फाइनेंशियल इंक्लूजन जब हुआ यानी जब जनधन खाता खुला था तो प्रधानमंत्री ने क्या किया था जनता से इसके लिए नाम मांगा था राय मांगी थी कि आप मुझे बताओ क्या नाम होना चाहिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए तो ये बताया गया था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना होनी चाहिए तो यहाँ पर भी नेम पूछा गया है लोगों मांगा गया है जो विनर होगा उसको पाँच लाख रुपए का कैश मिलेगा अच्छी बात है ना अच्छा मौका आगे बात करें हमारी पार्लियामेंट जो है वो क्या कर चुकी है डी जैसी संस्थाओं को बनाने के लिए ऑलरेडी जो है वो बहुत सारे वर्क कर चुकी हैं पार्लियामेंट के अंदर इसके लिए यू जो है वो बिल मसौदा जिसको बोलते हैं वो भी तैयार हो चुका है और अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एन ए बी एफ आई डी के बारे में यानी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ठीक है तो ये जो मैं बता रही थी ना पार्लियामेंट ने क्या किया है बिल पास कर बिल इंट्रोड्यूस कर चुके हैं और सारी चीज़ें हो चुकी हैं वो यही बात है एन बी एन ए बी एफ आई डी के बारे में ठीक है चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट अगर हम देखें डी वैसे तो नाम में डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था लेकिन और जान जाते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं तो देखो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है भारत देखो एक बहुत ही फेमस एक जो है पेंट कलर्स का एडवर्टाइज़ आता है जिसमें एक लाइन यूज़ की गई थी जो मुझे काफ़ी पसंद आती है कि इंडिया अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है एग्जैक्टली exactly, बहुत कोरिलेट करती हूँ मैं इसको बहुत करीब से देख पाती हूँ अपना भारत अभी बन रहा है निर्माण हो रहा है भारत का और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भारत को बनाने में हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना पड़ेगा अभी हमारा बहुत पुअर इंफ्रा है जी बहुत पुअर इंफ्रा है हमारा कुछ कुछ स्टेट को छोड़ दें और कुछ कुछ स्टेट के कुछ कुछ पार्ट को छोड़ दें पूरा स्टेट भी नहीं तो अभी क्या है हमारे लोगों को बहुत वर्क करना पड़ेगा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये इंस्टीट्यूशन क्योंकि ऐसी तरह की कोई इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ है नहीं जो एग्ज़ामिन करे मॉनिटर करे गाइड करे है ना बस प्रोजेक्ट आ जाते हैं मार्केट में लॉन्च हो जाते हैं बाद में मालूम चला सक्सेस हुआ ठीक है नहीं तो मालूम चला घोटाले हुए तो कोई एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए कोई ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए देर इज़ अ लूप होल यहाँ एक कमी है तो एक लिंक होना चाहिए इसके लिए सरकार ने ये योजना लाई थी और इसके तहत तो हम देखेंगे सात हज़ार प्रोजेक्ट जो है वो आत, लाए गए थे नीप के अंदर नीप नीप भी जो है इसी बजट में इंट्रोड्यूस किया गया नीप अगर हम बात करें वैसे तो नीप के बारे में पहले से भी हमें थोड़ा मैं डिस्कस करूंगी अभी आपको तो नीप जो है यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात करें जिसके तहत जो है यहाँ पे ग्यारह एक सौ ग्यारह लाख करोड़ रुपया जो है सेटअप किया गया तो ये एक इम्पॉइंट है आपको याद रखना है और सेकेंडली हम बात करेंगे यहाँ पे अगर हम देखें और ज्यादा ये बातें वही बताएगी कि किस तरह से डेवलपमेंट होगा किस तरह से इनोवेशन होगा सारी बातें हैं जो मैं बताई है ना एक बार उसको आप देख लोगे कोई बड़ी बात नहीं है नॉर्मली अगर आप आंसर राइटिंग वगैरह के लिए कर रहे हैं तो टर्म्स बहुत जरूरी होता है वैसे करंट अफेयर ऑफ की व्यू से हमने ये जाना कि डेवलपमेंट बॉडी है तो डेवलपमेंट क्या होगा हर सेक्टर में एग्रीकल्चर में है ना इंफ्रा और उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन में इंफ्रा तो यही बातें लिखी गई हैं और कुछ नहीं चलिए आगे बात करें थे हम यहाँ पे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की तो देखो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है इसको मैं करंट अफेयर से को करती करती कुछ दिन पहले ही हाल फिलहाल में ही एक रिपोर्ट आई थी गवर्नमेंट ने रिलीज की थी जिसमें दो से पच्चीस तक की जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के सरकार की क्या योजनाएँ हैं ये मैंसन किया गया था साथ ही साथ अगर हम बात करें 2019 में इंडिपेंडेंस स्पीच के दरमियान 15 अगस्त के दिन है ना भारत में जो हमारे प्रधानमंत्री है जब झंडा समारोह होता है जब हमारा 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं तो जो है हमारे लाल किले की प्राचीर से इन्होंने इस प्रोजेक्ट को जो है लॉन्च किया था जिसके तहत जो है पाँच साल का फ्रेमवर्क के पाँच साल के फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो सौ लाख करोड़ ठीक है सौ लाख करोड़ पाँच साल के अंदर इन्वेस्ट करके सरकार हमारे इंफ्रा को बूस्ट करेगी जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं लाइक अगर इसको हम कैटेगराइज करें तो हम यहाँ पे अभी कैटेगराइज करके आपको बताएं तो एक फ्रेम है चार्ट है यहाँ पे एक बार इसको थोड़ा तो सा देख लेते हैं हम लोग तो देखिए पूरी तरह से यहाँ पे बताया गया है फूड प्रोसेसिंग से लेके स्पोर्ट स्टील टूरिज्म स्कूल एजुकेशन एग्रीकल्चर पोर्ट्स मतलब सारी की सारी जो हमारी एक्सक्यूज़ मी एक्सक्यूज मी सारी की सारी जो हमारी बॉडी है जहाँ पे भी इंफ्रा की कमी है उन सब चीज़ों को डाला गया है ब्रॉडली अगर कैटेगराइज करें तो ऐसे भी देख सकते एनर्जी ठीक है जिसमें ट्वेंटी फोर परसेंट रोड उन्नीस परसेंट अर्बन एरिया शोला रेलवेज थर्टीन और अगर हम बात करें तो जहाँ तर जो पैसा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का भी कोलाब्रेशन होगा और हमारी सरकार इस पूरे मॉडल को जो है ट्रिपल पी मॉडल बना के चलेंगी तो ट्रिपल पी का फार्मूला क्या होगा वो होगा थर्टी नाइन इज़ टू थर्टी नाइन इज टू ट्वेंटी टू यानी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो और हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो इन सब का रेशियो इस तरह से रहेगा याद रखेंगे चलिए हाँ ये जो है आप इसके फेजेस को देख सकते हो क्योंकि कोविड के चलते थोड़ा इश्यूज़ भी हो गया बीस वाला जो टाइम पीरियड है थोड़ा बर्बाद हो गया क्योंकि इंफ्रा का कोई काम नहीं हो पाया लॉकडाउन के चलते स्टाफ वर्कर्स सभी अपने अपने घर में रहें तो ये एक थोड़ा सा इस पर इम्पेक्ट पड़ा है ठीक है चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम नावार्ड संबंधित है देखो नावार्ड जो है हमारी नावार्ड नावार्ड का काम क्या होता है एग्रीकल्चर को बूस्ट करना ग्रामीण क्षेत्र को बूस्ट करना ग्रामीण क्षेत्र में रूरल डेवलपमेंट को बूस्ट करना ठीक है तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ओडिशा सरकार को नबार्ड ने जो है 35 ब्रिज बनवाने के लिए तीन सौ छप्पन करोड़ रुपए का जो है आवंटन कर दिया है अच्छी बात है इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पत्रकार यानी जो जर्नलिस्ट हैं शशि कुमार है ना उनको जो है फर्स्ट टेलीविजन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है बस बहुत ज़्यादा बनता नहीं है क्योंकि ऐसी कोई एक होता है ना कि बहुत इंटरनेशनली रिकॉगनाइज और इस तरह से कुछ चीज़ें नहीं है अब बस इतना हल्का सा याद रखोगे आगे बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय नौसेना के जहाज जो है तलवार ठीक है बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास ठीक है समुद्री अभ्यास समझ रहे हो ठीक है तो ये जो मेरेटाइन एक्सरसाइज होते हैं मल्टी नेशनल मेरीटाइन एक्सरसाइज जो है आप देख सकते हो कैटलस एक्सप्रेस 2021 जिसको शॉर्टली बोलते हैं सी ई ट्वेंटी ठीक है 21, जो कि 26 जुलाई को 26 जुलाई से 6 अगस्त तक चलने वाला है ठीक है और ये कहाँ केनिया में होने वाला है ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा डिटेल से डिस्कस करेंगे अभी हाईलाइट्स में समझ लीजिए और आगे इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं मलयालम फिल्म पाका ठीक है जो कि प्रोड्यूस की, की गई है अनुराग कश्यप और जो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है अनुराग कश्यप के साथ साथ यहाँ पे राज, राज कोड़ा के द्वारा एंड इसमें बात अगर हम करें तो जो डायरेक्टर हैं जिनका डेब्यू भी हुआ है इस फिल्म से वो है आपके कौन तो थोड़ा सा नाम देखो वैसे हमारे को हमारे एग्ज़ाम में ऐसे तो क्वेश्चंस बनते नहीं है हार्डली हमारे एग्ज़ाम में ये कहाँ ही क्वेश्चन बनते हैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के नाम पे अगर कुछ नेशनल फिल्म अवार्ड मिल जाए ऐसा टाइप का तो वहाँ पे पूछा जा सकता है हार्डली चांसेस बनते हैं ज़्यादातर तो लैंग्वेज पे फोकस करती है हमारी एस या हमारा बैंक का एग्जाम भी हो तो हार्डली लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है कि जो है मूवी पक्का जो है वो कौन सी जो है भाषा की फिल्म है तो मलयालम और ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसको जो है वर्ल्ड प्रीमियर्स है ना 46 जो एडिशन हो रहा है टोरंटो तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वहाँ पे जो है 9 से आ, जो है 18 सितंबर के बीच में होगा तो ये जो है आ, ये वाली जो मूवी है ये वर्ल्ड प्रीमियर्स के लिस्ट में आई है तो इम्पॉर्टेंट है याद रखना है आपको नेक्स्ट हम बात करें तो जो हाईलाइट्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें और भी हम लोग तोड़ तोड़ के डिवीजन करके पढ़ेंगे फिलहाल आप देखिए प्रधानमंत्री ने एजुकेशन पॉलिसी 2020 की एनिवर्सरी फर्स्ट एनिवर्सरी जो है वो कंप्लीट हुई उसके आधार पे उन्होंने बहुत सारी बातें शेयर की और बहुत सारी नई योजनाओं को भी जो है फलीभूत कर दिया हम देख लेते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया और थैंक यू भी कहा किसके लिए ये जो पॉलिसी मेकिंग हुई है एजुकेशन के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट्स एंड टीचर्स जो पूरे विश्व भारत भर के अंदर हैं इनको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है इनसे बात की गई और चीज़ों को डिस्कस किया गया बहुत सारी योजनाओं को लागू किया गया मल्टीपल योजनाएं मल्टीपल इनिशिएटिव जो है एजुकेशन सेक्टर से संबंधित यहाँ पे लॉन्च किया गया अब इन लोगों को अगर इन इनको हम थोड़ा सा देखें तो मेनली जो प्रधानमंत्री का हाईलाइट था वो क्या था ओपननेस के बारे में बात कर रहे थे वो और जो प्रेशर होता है स्टूडेंट पे उस प्रेशर को रिड्यूस और ख़त्म करने की बात की गई थी न्यू एडुकेशन पॉलिसी में तो इस पॉइंट को इन्होंने हाईलाइट किया और अगर हम बात करें इन्होंने बताया कि जो मॉडर्न तरीके हैं पढ़ाई लिखाई के मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड जो पढ़ाई है उसको आगे बढ़ाया जाए सुनिश्चित किया जाए मल्टीपल तरीके होने चाहिए स्टूडेंट्स को पढ़ाई की दुनिया जो है एकदम फ्री होनी चाहिए मल्टीपल तरीके से स्टूडेंट्स उसमें इन कर पाए हर क्षेत्र के बच्चे आ पाएँ और अपनी पढ़ाई को सुगमता से कर करके आगे बढ़ सकें ऐसा छोटा सा एकदम स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए कि यही परम्परागत रास्ता है यहीं से जाना ही है नहीं ऐसे होने चाहिए हर तरफ से ओपन होना चाहिए जहाँ से भी स्टूडेंट हैं उनको जैसे भी शिक्षा ग्रहण करनी है जिस लेवल तक करनी है वो कर पाए ये एक अप्रोच है चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे तो इसके तहत क्या है और क्या क्या बातें की गई बोला गया है ये तो मैं बता दी मल्टीपल एंट्री वाली बात और बोला गया है क्या फ्री स्टूडेंट्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस फ्री होने चाहिए मैंने रिस्ट्रिक्शंस नहीं वो तो पहले ही डिस्कस हो गया इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सरकार ने क्या क्या सेटअप किया है एकेडमी ऑफ बैंक फॉर क्रेडिट सिस्टम ये इम्पॉर्टेंट है सेकेंडली यहाँ पे जो है सरकार ने जो है सफल योजना यानी जो है स्ट्रक्चर जो है असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल तो सफल और जो है एकेडमिया बैंक क्रेडिट सिस्टम ये सब योजनाएं आज ही मतलब कल लॉन्च की गई थी और डिटेल से देखें यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस इन्होंने लोकल लैंग्वेज पे किया है कि अगर भाषा लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई हो तो पढ़ाई ज़्यादा बल्कि और नहीं होगी एकदम ईजिली पढ़ाई हो पाएगी बल्कि नहीं बनेगा प्रधानमंत्री ने बताया कि फोर्टीन इंजीनियरिंग कॉलेज आर्ट स्टेट के वहाँ पे जो है लोकल भाषा में पढ़ाई जाएगी और ये पांच भाषाओं का चयन किया गया इसके लिए हिंदी तमिल तेलुगु मराठी और बांग्ला इन पांच भाषाओं का वैसे अच्छा भी है और दूसरा क्या बताया गया जो सेमेस्टर वन है है ना सेमेस्टर वन के स्टूडेंट्स के लिए और ज्यादा इसमें किया गया है क्योंकि वैसे भी इंजीनियरिंग कॉलेज का सेमेस्टर वन तो समझ में ही नहीं आता है कहाँ हैं है ना नए कॉलेज नए फ्रेंड और नया सिलेबस ठीक है इसी में आदमी पागल हुए रहता है और ज़्यादातर आबादी का इसी में सेमेस्टर बैक लग जाता है चलिए ये तो बीते दिनों की बातें आगे यहाँ देखते हैं हम यहाँ पे क्या है नेक्स्ट तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो वैसे स्टूडेंट जो पुअर बैकग्राउंड से आते हैं ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या ट्राइबल बैकग्राउंड से आते हैं है ना उनकी मदर टैंक टंग की बहुत होती हैं तो ये जो है इन सारे स्टूडेंट को बहुत फायदा होगा और इसके लिए सरकार ने जो है विद्या आप देख सकते हो प्रवेश प्रोग्राम तो विद्या प्रवेश प्रोग्राम सरकार ने आज ही जो है वो लॉन्च किया है उद्देश्य लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है विद्या प्रवेश प्रोग्राम साथ ही साथ यहाँ पर हम देखेंगे साइन लैंग्वेज पर भी हमारी सरकार ने जो है वो काम करने की बात की है कि हम जो है साइन भाषा पे वर्क करेंगे एज अ सब्जेक्ट जो है इसको अच्छी तरीके से डील किया जाए एज अ सब्जेक्ट इसको अच्छे तरीके से डील किया जाए सो so दैट जो हमारे डिसेबल स्टूडेंट्स हैं है ना यानी जो हमारे दिव्यांग जो हमारे छात्र हैं वो ढंग से पढ़ाई कर पाए आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट तो इसी के तहत इन्होंने आज तो मैं बताइए आपको अकेडमी ऑफ बैंक क्रेडिट लॉन्च किया साथ ही साथ जो है यहाँ पे हम देखेंगे इसके तहत क्या होगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज का जो मैं बता रही थी ना फर्स्ट सेमेस्टर बता रही थी तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में जो है ये रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई गाइडलाइंस और जो है एडुकेटर जो होंगे इंटरनेशनल नेशनल लेवल के वो सब इनको गाइड करेंगे ये बात की गई थी जो है उसके बाद हमने आपको बता दिया विद्या प्रवेश के बारे में ये भी सेम चीज़ थी तो दो चीज़ें तो ऐसी हो गई जो पहले डिस्कस किया गया तीसरा जो है आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो ये वाला आर्टिकल मैं डिस्कस की थी आपसे ठीक है ये आर्टिकल मेरा आपसे डिस्कस किया गया है तो निष्ठा टू है ना यानी इसके तहत इसका जो है सेकेंड वर्जन आ गया है इसको भी इम्प्रूव किया जाएगा इंटीग्रेटेड मैनर में एन जो है इनकी ट्रेनिंग पार्टनर है डिज़ाइनिंग पार्टनर है सफल तो मैं बता ही दी और यहाँ पे सी के स्टूडेंट्स को फ्रेमवर्क किया गया कि सी में जो है तीन पाँच आठ के जो बच्चे होते हैं है ना थ्री फाइव और एट क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आप पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो इस फ्रेमवर्क में इस क्लास के बच्चे आते हैं एक और है निडर निडर जो है ये आपको याद रखना है फुल फॉर्म बनेंगे हमारे नेशनल डिजिटल एजुकेशन जो है आर्किटेक्चर्स ठीक है और दूसरा एन ई टी एफ यानी नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म ठीक है तो फॉर्म तो ये सब जो है फॉरम सॉरी फॉर्म बोल रही हूँ तो ये सब जो है टर्म्स हैं और ये सब बॉडीज़ हैं कुछ नई योजनाएं हैं कुछ नई बॉडीज़ हैं जिनके नए नए काम हैं इन सब चीज़ों को मेंशन किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा ठीक है चलिए और अब हम स्टार्ट कर देते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है रिसेंटली विच द फॉलोइंग स्कूल स्टूडेंट्स है ना डिटेक्टेड एट जो है आप देख सकते हो क्या एस्ट्रॉड्स तो आपको बताना है एस्ट्रॉड्स आर्ट एस्ट्रोइ्स का जो है पता लगाया गया है किस स्कूल के छ, जो है छात्रों के द्वारा तो ऑप्शन आपके सामने हैं जो है इकोल ग्लोबल इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल सेकेंडली है अपनी जवाहर नवोदय विद्यालय और द एशियन स्कूल और यहाँ पे हम देखेंगे धीरू भाई अम्बानी इंटरनेशनल स्कूल ठीक है और केंद्रीय विद्यालय तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो होने वाला है अपना ऑप्शन नंबर टू यानी जो है जवाहर नवोदय विद्यालय अब जवाहर नवोदय विद्यालय की अगर हम बात करें तो इसमें 16 स्टूडेंट 16 स्टूडेंट का ग्रुप है जो इस चीज़ को फाइंड आउट किए हैं राइट आठ जो है एस्ट्रो हम देख सकते हैं यहाँ पे एस्ट्रॉइड्स को फाइंड आउट करने का काम है 16 स्टूडेंट जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय के हैं एक्चुअली एक योजना है क्या योजना है साला, है ना साला एस्ट्रोइ्स रिसर्च कैंपेन 2021। इसमें ये पार्टिसिपेट किए थे और इन्होंने ये काम किया राइट चलिए अब आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली अंडर उड़ान स्कीम में पढ़ाई हुई मैं आपको उड़ान स्कीम हाउ मैनी रूट्स आर सर्विस हाउ मेनी रूट एयर सर्विसेज आर स्टार्टेड आपको बताना है एयर सर्विसेज जो हैं कितने रूट से स्टार्ट किए जाएंगे आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर वैसे ये क्वेश्चन मेरा आपके साथ डिस्कस किया गया है ठीक है चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फोर यानी थ्री फिफ्टी नाइन जो है रूट्स ठीक है थ्री फाइव फिफ्टी नाइन रूट्स जो है यहाँ पे जो हमारे मंत्री हैं कौन से मंत्री हैं हमारे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री किसके हाथ में है तो ज्योति आयत्य सिंधिया इनके हाथ में है ज्योति आयतरा सिंधिया के हाथ में ये मंत्रालय है याद रखेंगे नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डे इंटरनेशनल टाइगर डे कौन से डे को हम लोग जो है वो बनाते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा तीन नंबर का ट्वेंटी नाइन जुलाई हाउ मच एयरटेल अफ्रीका हैव रिसीव अ प्रॉफिट ऑफ दी फर्स्ट क्वार्टर ट्वेंटी ट्वेंटी वन से बाईस बताना है आपको ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल भी, भी नहीं याद होते और इसका आंसर क्या हो जाएगा दो यानी यू एस डॉलर एक सौ बयालीस मिलियन है ना एयरटेल ठीक है अफ्रीका एक्चुअली मैं बता रही हूँ ये हमारी बहुत सारी जो है कंपनियाँ अफ्रीकन रीजन्स में अपना व्यापार कर रही हैं सेटअप की हुई हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जिनका इन्वेस्टमेंट अफ्रीका में है वो है चाइना चाइना की बहुत है और डर भी लग रहा है कि चाइना की जो पॉलिसी होती है हमेशा कैबेज पॉलिसी और बहुत सारी पॉलिसी का प्रयोग करके चाइना दूसरे देश को गुलाम बनाता है लेकिन आजकल चाइना थोड़ा सा अलग तरीके से गुलाम बनाता है फाइनेंशली सबको पंगू बना देता है लोन दे दे करके तो ये भी एक अच्छी चीज़ चाइना के पार्ट पे वर्ल्ड के लिए खराब पाँच नंबर विच ऑफ़ द फॉलोइंग नेवल सिप्स इज पार्टिसिपेटिंग इन दी मल्टी नेशनल मेरी टाइम एक्सरसाइज कैटलस एक्स एक्सप्रेस ट्वेंटी ट्वेंटी वन सी ट्वेंटी वन बींग जो है कंडक्टेड फ्रॉम छब्बीस जुलाई से छः अगस्त तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है याद रखना ऐसे तो मैं इसको ऑलरेटिन से डिस्कस करूँगी पाँच का आंसर क्या हो जाएगा तीन नंबर यानी आई जो है अपना तलवार ठीक है आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी जियो इमेजिंग सेटेलाइट ई ओ एस जीरो थ्री इज शेड्यूल्ड फॉर लॉन्च इन थर्ड क्वार्टर ऑफ 2021 ट्वेंटी वन छः नंबर का आंसर क्या होगा तो छः नंबर का आंसर जो है वो होना है चार जाक्सा किसका है ये जापान का है नासा यूएसए का है स्पेस एक्स क्या है ये क्या स्पेस एजेंसी है हाँ ये तो प्राइवेट कंपनी है ना स्पेस एक्स ठीक है और चलिए इलॉन मस्क सभी को नाम पता है और इसरो तो अपनी है ही और नन ऑफ का सवाल नहीं होता इस क्वेश्चन के लिए सात नंबर की बात करें हम यहाँ पे तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च प्रोजेक्ट बोल्ड कल ही पढ़ाई थी जैसलमेट टू तो प्रिवेंट जो है डेजर्टिफिकेशन एंड सपोर्ट रूरल इकोनॉमी तो मरुस्थलीकरण को दूर करना और ग्रामीण लोगों को सहायता देना कैसा सहायता इकोनॉमिकली सहायता करना इसके लिए बोल्ड स्कीम आया था आपको बताना है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज कमीशन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तीसरा है नेशनल बाडाइवर्सिटी अथॉरिटी चौथा है सेंट्रल इनलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पांचवा है एंड एंड तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मैं डिस्कस की थी आपसे आठ नंबर हाउ मच अमाउंट नेट प्रॉफिट हैज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इन फर्स्ट क्वार्टर तो क्या हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आठ नंबर का चार दो सौ छह करोड़ ठीक है नौ नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लेविट दाइस्ट टैक्स ऑन पेट्रोल तो पेट्रोल के ऊपर हाइस्ट टैक्स लगाने वाली कौन सी जो है अपनी स्टेट है गोवा पंजाब मध्य प्रदेश गुजरात और केरला तो नाइन का आंसर क्या होगा नाइन का आंसर जो है वो हो जाएगा मध्य प्रदेश याद रखेंगे टेन नंबर हु दॉलोइंग एक्सक्यूज में हैज इनोग्रेटेड ग्रेटर जो है सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम इन मेघालय नरेंद्र मोदी अमित शाह गजेंद्र सिंह शेखावत सत्यपाल मलिक और धर्मेंद्र प्रधान तो आंसर सभी को पता है ये हाईलाइट में डिस्कस की थी आपके साथ अमित शाह गृह मंत्री चलिए स्टार्टिंग क्वेश्चन आपके सामने हैं क्वेश्चन जो है क्या है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जन विकास कार्यक्रम के बारे में पूछा गया है ऑप्शन नंबर बोलता है वन इट इज अ स्कीम्स डिजाइंड टू एड्रेस डेवलपमेंट सेकेंड डेवलपमेंट डेफिशिटीज डेफिश यानी कि ऑफ द आइडेंटिफाइड मॉनेटरी कंसनट्रेशन एरिया दूसरा बोला गया है यहाँ पे

ठीक है यानी वन तो सही है वन एकदम सही है लेकिन ये बोला गया है ना कि ये अवेलेबल इन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और पीएमजी के बारे में बात किया जा रहा है तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको याद रखना है कि ये जो है प्रधानमंत्री हम सॉरी ये जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जो है माइनॉरिटी अफेयर जो है ये इसको कर रही है ठीक है नॉट की ट्राइबल तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर कर रही है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम क्योंकि ये जन विकास कार्यक्रम जो है माइनॉरिटीज़ के लिए ही है माइनॉरिटीज़ को देखा जा रहा है इसे इससे पहले इसके जगह में क्या यूज़ होती थी जो है आप देख सकते हो एम सी एज यानी माइनॉरिटी जो है कंसनट्रेशन एरियाज और ये जो है एक मल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम था जो कि लॉन्च किया गया था बहुत ही पहले और इसको रीनेम किया गया प्रधानमंत्री जन विकास जो है कार्यक्रम 2018 में तो 2018 में इसको रीनेम किया गया ठीक है और नाम चेंज किए गए चलिए आगे बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन के बारे में बोला गया कंसिदर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इन एस के बारे में बोला गया है इट इज मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशनिश्ड इन टू थाउजेंड फॉर पर्पस ऑफ प्रमोटिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन स्टेट ऑप्शन नंबर नंबर ऑप्शन टू जो है वो कहता है यहाँ पे बोला जाता है सेकेंड नंबर दिस कॉरिडोर जो है कनेक्टेड इंडिया इंडियन ओशियन एंड जो है प्रशियन गल्फ ऑफ कैस्पियन सी वाया पाकिस्तान इसका आंसर क्या होगा तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे हम देखेंगे वन इस क्वेश्चन का आंसर होगा वन अब ये वन जो है ये कैसे होगा तो देख लेते हैं हम यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो है पहला पॉइंट तो सही है यहाँ पे जो वाया पाकिस्तान है ना यही गड़बड़ है इस शब्द की जगह में हमें यूज़ करना है क्या सब कुछ ठीक है बस इस शब्द की जगह में हमारा यहाँ पे जो हो जाएगा वाया ईरान ठीक है यहाँ पे ईरान आ जाएगा एंड इस्लामिक जितने भी रिस्पेक्टिव कंट्रीज हो जाएंगे वो सब कनेक्टेड हैं यहाँ ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अच्छा ये एक चीज़ और है ये जो है सेंट पीटर्सबर्ग एंड नॉर्दर्न यूरोप वाया रशिया तो नॉर्दर्न यूरोप को ये कैच करेगा रसिया के थ्रू रसिया वाया रसिया नॉर्दर्न यूरोप तक तो ये एक पॉइंट है कॉरिडोर के बारे में ये बड़ा सा आर्टिकल था हिंदू में दो तीन दिन पहले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था लेकिन वो आईआर का पार्ट हो जा रहा था और बहुत बल्कि आर्टिकल था तो इसलिए मैं उसको एमसीक्यू के तौर पे उसका एसेंस जान लीजिए बस इतना ही काफ़ी है किस चीज़ के लिए होता है नाम में छुपा हुआ है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन है ट्रांसपोर्टेशन हर तरह के ट्रांसपोर्टेशन है ना हर तरह के ट्रांसपोर्टेशन यानि शिप रेलवे रोड ये सब की बात करते हैं अच्छा इसमें मेंबर कौन कौन से इसको देख लीजिएगा इंडिया है ठीक है इंडियन ओशन आ रहा है यहाँ पे तो इंडिया है उसके बाद कौन है यहाँ पे ईरान का नाम तो मैंने ले ही ली ईरान हो गया उसके बाद अफगानिस्तान भी यहाँ पे आ रहे हैं इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे जो है अजरबेजान ठीक है तो जो है अजरबेजान जो नेशन है ये भी यहाँ पे इन्वॉल्व है रसिया ऑलरेडी इन्वॉल्व है क्योंकि रसिया का नाम पहले आ चुका है उसके बाद सेंट्रल एशिया उसके बाद यूरोप तो सेंट्रल एशिया भी है यहाँ पे है ना सेंट्रल एशिया और क्या है अपना जो यूरोप है ये सब इसके मेंबर्स नेशंस है ठीक है गल्फ़ ऑफ नेशन गल्फ ऑफ प्रशियन इसके तहत आ रहा है इंडियन एशियन आ रहा है और कैस्पियन सी भी आ रहा है ठीक तो है तो बहुत सारे की फैक्ट्स हैं यहाँ से इसको देख लीजिएगा थर्ड नंबर कन से दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जो है बोला गया है अजगबद एग्रीमेंट तो अजगबद एग्रीमेंट के बारे में बताना है आपको क्या है कोई ऑप्शन इसको थोड़ा तो सा देख लिया जाता है बोला जाता है पहला ऑप्शन बोलता है दी एग्रीमेंट वॉज फर्स्ट साइन बाय उजबेकिस्तान ठीक है और बताया गया है किसके द्वारा तुर्कमिस्तान ईरान ओमान एंड कतर इन 2011 दूसरा ऑप्शन कहता है इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इन्हांस कनेक्टिविटी विदिन यूरोपियन रीजन्स ठीक है यूरोपियन रीजन्स के बीच में जो है कनेक्टिविटी की बात करता है दो हज़ार ग्यारह में बना है क्या सही है आपको बताना है तीसरा कहता है क्या कि इंडिया रिसेंटली ज्वाइन दी अगस्त बात जो जो अपना ये हम देखें असगबत एग्रीमेंट है इसको इंडिया रिसेंटली ज्वाइन किया है तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ये थोड़ा सा अगर पढ़े हैं तो ठीक है लेकिन नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए इसका आंसर जो है ना वन एंड थ्री अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को देखो तो वन एंड टू तो वन एंड थ्री टू ठीक है एक और दो यानी ऑप्शन नंबर सी यानी क्वेश्चन नंबर तीन क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर क्या हो जाएगा सी अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम यहाँ पे ये स्टार्ट कब हुआ था तो ये जो है दो हज़ार ग्यारह में हुआ नहीं है तो इसी के कारण जो है हम यहाँ पे सॉरी ये मैं बता रही हूँ कि ये साइन जो है फर्स्टली साइन की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे तो फर्स्टली साइन जो है यहाँ पे देखो स्टार्टिंग 2011 में हुआ था लेकिन साइनिंग की बात अगर हम करते हैं तो ये सेंटेंस सही है ये सेंटेंस सही है इसको डिटेल से डिस्कस कर ले रही हूँ तो ये बॉडी दो में फ्रेम वगैरह सब कुछ हो गई थी और जहाँ तक बात हम कर रहे हैं जिसके कारण हमने ऑप्शन नंबर थ्री को यहाँ पे छोड़ा है कि इंडिया ने रिसेंटली इसको ज्वाइन किया है तो इसकी बात मैं कर लूँ यही हमारा न्यूज है मेनली हमको यही जानना है कि बॉडी 2011 में बनी है सेटअप का सब कुछ हुआ है हमने रिसेंटली इसको ज्वाइन किया है तो कब कब हमने किया एक सेकेंड ना हमने इसको किया है दो में यानी इंडिया इसका मेम्बर बना है दो में ठीक है तो ईयर यहाँ पे नहीं दिया और रिसेंटली नहीं किए रिसेंटली का मतलब एक दो महीने तीन महीने या इसी साल तो ये वाली बात तो है नहीं इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हुआ था और बाद बाकी सारे सेंटेंसेस यहाँ पे सही हैं ठीक है ठीके? और ये 2011 में हुआ था अगर इसके मेंबर जो फर्स्ट जिनको जिन्होंने साइन किया वो सच में उज्बेकिस्तान और ये सारे के सारे ऐसे ही थे और यहाँ पे हम देखेंगे कतर जो है वो विदड्रॉ कर लिया था इस एग्रीमेंट से अपने आप को 2013 में और कजाकिस्तान एंड पाकिस्तान जो है इस ग्रुप को ज्वाइन किया है 2016 में यानी पाकिस्तान हमसे पहले ही इस ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं दो हजार में कतर निकल चुका है याद रखेंगे और बस इतना ही है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर कन द फॉलोइंग स्टेटमेंट है ना क्या है जुपिटर हैज रोरा नियर बोथ इट्स पोल विच इमिट्स एक्सरे सेकेंड बोलता है अरोरा आर कॉज बाय आयस क्रैशिंग इन टू जुपिटर्स एटमोसफेयर तीसरा बोला जाता है जूनो इज अनासा स्पेस प्रॉप्स वॉज लॉन्च विद अ प्राइमरी गोल टू स्टडी जुपिटर्स क्या होगा चार का आंसर तो चार नंबर का आंसर होने वाला है वन तीन नंबर जो लाइन है तीसरा जो ऑप्शन है हमारा यही हमारा साथ नहीं देगा सही नहीं है क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ नासा का नहीं है ये जो मिशन है ये जूनो मिशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ नासा का नहीं है हालांकि याद रखना है जूनो मिशन जो है जुपिटर से संबंधित है ये तो इम्पोर्टेंट ही याद रखोगे अब ये किसका किसका मिशन है तो ये नासा के साथ जो है हम देखेंगे अलग बॉडी यानी जो है यू यूरोपियन स्पेस एजेंसी उनकी भी है और एक और बॉडी है जिसका नाम है एक्स एम एम ठीक है न्यूटन मिशन ठीक है एक्स एम एम न्यूटन मिशन जो है ये बॉडी नासा ठीक है ये सब मिलकर के और अपनी जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ये सब मिल इस पे काम किए तो इसलिए ऑप्शन थ्री यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है ठीक है पांच नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं पांच नंबर क्वेश्चन क्या है तो बोला गया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में आपको बताना है क्या सही है बोला गया इट इज द बिगेस्ट स्पेस लेबोरेटरी ऑफ यूएसए अब सेकेंड ऑप्शन बोला जाता है इट्स इट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ एट द सेम टाइम इट मूव अराउंड द सन तो पांच नंबर का आंसर क्या हो जाएगा पाँच नंबर का आंसर जो है वो क्या होगा डी होगा क्यों होगा कल ही मैं आपके साथ डिस्कस की थी क्या डिस्कस की थी आई एस एस के बारे में आई एस एस जो है वो बड़ी बड़ी देश की मिशन है जिसमें नासा भी है ठीक है नासा यानी यूएसए इन्वॉल्व है उसके बाद कौन सी बॉडी है जो है रॉस कॉस मोस यानी रशिया की जो स्पेस एजेंसी है वो भी आती है उसके बाद हमने बताया था जाक्सा के बारे में जो कि जापान की एजेंसी वो भी आती है उसके बाद हमें देखना था सी एस यानी जो कनाडा की स्पेस एजेंसी है वो भी आती है उसके बाद हमें देखना था किसके बारे में यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो कि खुद यूरोपियन पूरी की पूरी यूरोप्स की है तो ये भी आती है तो ये पूरा का पूरा हो गया तो इस तरह से ऑप्शन ये गलत हो जाता है और ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो रहा है कि ये अर्थ के चारों तरफ ये घूमते हैं अर्थ के चारों तरफ ये चक्कर लगाते हैं ठीक है और पूरे दिन भर में पंद्रह चक्कर लगा लेते हैं और अर्थ सन का चक्कर लगाती है जो है एक पूरा चक्कर लगाती है तीन सौ पैंसठ दिन में तो कैसे ये वाला लाइन सही है नहीं है ना किसी तरीके से कोरिलेट नहीं कर पा रहे चलिए छह नंबर की बात करते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एन एम सी जी इज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी ओरिजिनली फॉर्म बाय द नंबर वन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर्स डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वनेशन प्लानिंग कमीशन Ministry of Environment, Forest and Climate Change. D. None of the above. तो छः नंबर का आंसर बहुत सीधा साधा आंसर है इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर ठीक है ये आपको याद रखना है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे अच्छा इसमें ना ये जो ऑप्शन हैं ये पहली वाली ऑप्शन इससे एक और एमसीक्यू बनेंगे जो हमारा जल शक्ति मंत्रालय है ना जल शक्ति मंत्रालय जो कब बना है 2019 से में बना है ये सारी बॉडी को मिला करके एक बॉडी बनाई गई थी दैट इज अ जल शक्ति मंत्रालय ये याद रखोगे इंपॉर्टेंट था सात नंबर क्वेश्चन कल फॉलोइंग स्टेटमेंट मिजोरम वाज जो है बोला गया है जो है मिजोरम वाज कॉड आउट ऑफ आसाम एज अ यूनियन टेरिटरी 1972 सेकंड बोला जाता है इट बिकेम अ स्टेट इन ठीक है तो आपको बताना है यहाँ पे जो है ये फुल फ्लेज स्टेट बनता है बाद में और दूसरा जो है ये हम देखेंगे कि ये आसाम का आ, 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 ये जो हमारा आसाम के बारे में बात करें हम लोग तो ये 1972 में जो है ये एक फुल फ्लेज बनता है इससे पहले एक यूनियन टेरेटरीज था मैं कल आर्टिकल पढ़ाई थी आपको उसने बताई थी तो क्या होगा आंसर सही बताइए तो देखिए सेवन नंबर का फिलहाल तो आंसर क्या होना है सी होना है दोनों ही सही है 1972 और 1997 दोनों ही बातें मैं लिखी थी है ना और बताई थी कि मिज़ोरम एंड आसाम दोनों जो है पहले क्या थे यूटीज थे क्योंकि ये वहीं से आर्टिकल था भी मिजोरम हो गए या आसाम हो गए दोनों पहले यूटीज थे इसके बाद इस टाइम पीरियड में दोनों क्या हुए अलग अलग जो है वो बने हैं हमारे स्टेट ठीक है तो मिजोरम बना था 1972 में और असम जो है 87 में याद रखिएगा चलिए एट नंबर क्वेश्चन कंसिडर अबाउट जो है अगर उड अगर लकड़ी के बारे में ऑप्शन नंबर वन कहता है इट इज एवर ग्रीन ट्री दैट कैन ग्रो टू फोर्टी मीटर्स इट इज एन एंडेमिक स्पेसिस ऑफ इंडिया इट इज लिस्टेड अ क्रिटिकल इंटेंज इन आई यू सी रेड लिस्ट लास्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है ये वन थ्री टू टू वन टू वन टू थ्री तो क्या होगा आंसर आठ नंबर का आठ नंबर का आंसर अगर आप सब बता पाओ तो सही ही होगा क्योंकि मैं बताई थी देखो इसका आंसर तो वैसे बी होना है अब देखिए अगर ट्री के बारे में जो है आपको बताई थी मैं इससे एक ऑयल निकलता है जिसको लिक्विड गोल्ड कहते हैं मैं कल ही बताई हूँ आपको कि लिक्विड गोल्ड निकलता है है ना किसे? अगर टीसे? क्योंकि एक लीटर का दाम कितना होता है एक लीटर वैसे तेल का दाम होता है पांच लाख रुपया तो ये मैं बताई थी आपको वैसे इसका नाम क्या होता है आपको याद रखना है लैरिया जो है मेलासिनेसिस ठीक है ये ऑयल का नाम है नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा बस एग्जाम में अगर आ गया तो बना नहीं पाओगे यही होगा और कुछ नहीं होगा तो ये थोड़ा सा देख लेना है इसके बाद दाम तो बता ही दी और ये आई यू एन सी के जो है क्रिटिकल इंडेंजर्ड लिस्ट में आते हैं तो यहाँ पे ये ठीक है लेकिन इंडेंजर्ड जो है रेड लिस्ट डाल के थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्रिटिकल भी है रेड लिस्ट भी है चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे रेड लिस्ट अगर नहीं होता तो ऑप्शन सही होता उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो बताई गई है एंडेमिक है भारत में तो ये सही है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट एक सेकेंड ना ठीक है नौ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां पे देखिए नौ नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहाँ पे मियावकी मेथड्स समटाइम्स इन न्यूज तो मियावकी मेथड्स क्या होता है ये जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए होता है एफोरेस्टेशन टेक्निक है ये या वाटर स्टोरेज टेक्निक है ये या ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है तो क्या है तो नौ नंबर का आंसर जो है बी हो जाएगा याद रखना है आपको अभी हमने कल ही पढ़ा था किसके बारे में कासेज के बारे में पढ़ा था है ना कासेज यानी जो है कंडाला स्पेशल जो है इकोनॉमी जोन ये मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था इसके तहत जो है ये फर्स्ट एवर ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी जो है प्लेटिनम कैटेगरी में इनको प्राप्त हुआ था ये मैं आपसे डिस्कस की थी मैं ये बताई थी कि क्या क्या यहाँ पर प्रजा, प्रजातियाँ पाई जाती हैं 68 जो था वो ट्री की प्रजातियाँ थी 28 वर्ड्स की प्रजातियाँ थी जो मैं आपके साथ डिस्कस की थी ठीक है तो मियाँ जो मैथड्स होता है वो एफॉरेस्टेशन टेक्निक को जानने के लिए होता है ठीक है याद रखना है आपको और ये जो नेम है ये जापान से लिया गया है जापान के जो बॉटनी बॉटनिस्ट थे ठीक है और प्लांट के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किए हैं जिनका नाम क्या है जिनका पूरा नाम है अकीरा मिया वकी ठीक है इनके द्वारा ये जो है डिराइव किया गया है चलिए मतलब इनके ना, नाम के नाम को यूज किया गया इस मेथड को क्योंकि ये इस फील्ड में बहुत काम किए ठीक है, है तो थोड़ा सम्मान मिलना चाहिए चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दस तो नंबर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जो है आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्डियन जो, जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके बारे में बोला गया इट इज ओनली सेंचुरी इन आंध्र प्रदेश विच अ पॉपुलेशन ऑफ एशियन एलिफेंट्स दूसरा बोला गया इट इज कवर्ड बाय साउद ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस एंड थ्रोन जो है आपकी फॉरेस्ट बताना है वन टू दोनों और कोई भी नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर होने वाला है सी ये आंध्र प्रदेश से पाया जाता है पहली चीज तो सही है दूसरा एलिफेंट की बात की जा रही है यहाँ पे एशियन एलिफेंट की तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पे एलिफेंट के ही बातें होती हैं ये पूरी तरह से एलिफेंट के लिए डेडिकेटेड है एकदम इम्पॉर्टेंट है याद रखेंगे और यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल साउदर्न ट्रॉपिकल डेसीडियस आंध्र प्रदेश में तो ट्रॉपिकल डेसीडियस ही पाया जाएगा लॉजिक लगा लेंगे तो भी सही हो जाएगा ठीक है और बस इतना ही है और इसके बाद अगर हम देखें दस नंबर क्वेश्चन के बाद ये आंसर है और ये है हमारा होमवर्क क्वेश्चंस जिसका लेना है आपको स्नैपशॉट और आंसर करना है कहाँ पे आंसर करना है क्लास खत्म होने के बाद हमारे कमेंट सेक्शन में राइट एंड हमारे साथ बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद